मोदी सरकार ने एक बार फिर भारत के किसानों को निराश कर दिया है। जिस किसान ने सुनिश्चित किया कि कोरोना वायरस संकट के दौरान भी कोई भूखा नहीं रहे, उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान 100 से अधिक किसानों की मौत हो गई है, लेकिन मोदी सरकार 14 फसलों की MSP वृद्धि के बारे में साफ झूठ बोल रही है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर सत्ता में आने वाली सरकार ने खेती किसानी के लिए अब तक किसी पैकेज की घोषणा भी नहीं की है। 1 जून को सरकार ने 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 80% तक की वृद्धि की घोषणा की। वास्तव में 14 में से 12 फसलों का MSP केवल 5% बढ़ा था। डॉक्टरों, पुलिस, स्वच्छता कर्मियों के साथ साथ किसान भी कोरोना वायरस योद्धा है, और अगर देश को आगे बढ़ना है तो इनको सहयोग करना चाहिए बच की सही समय पर खरीद। MSP किसानों का कानूनी अधिकार हो ताकि उपज का उचित और पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित हो। किसानों की सहायता के लिए सरकार लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण माफ कर सकती है। किसानों को वित्त मंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से क्या मिला? किसानों को अपनी उपज खुले बाजार में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि फसल की खरीद नहीं हुई। मूल्य स्थिरीकरण योजना के तहत MSP खरीद की सीमा उपज के 25% से बढ़कर कम से कम 50% किया जाए और MSP तय की जाए। भाजपा सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, और यदि किसानों के प्रति मोदी का यही रवैया रहा तो 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना भी एक और अन्य जुमला होने जा रहा है।